और ये देखिए इतना छोटा सा अंडा है, हमारे कड़कनाथ ने दिया है बोल रहे हैं, इतना छोटू सा। कर लो बात अब। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे? और पहुंच चुकी हूँ अपने घर में, और आज से मेरा फिर से अपना रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो अब मेरी हो रही लंच बनाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी, तो उसी की तैयारी चल रही है। थोड़े से पकौड़े मेरी बन चुकी है, थोड़े से पकौड़े बना रही हूँ, और साथ में बना रही हूँ हरी प्याज की सब्जी, चावल, रोटी जो बनेगा। तो करती हूँ फटाफट अपने लंच की तैयारी, क्योंकि फिर बाकी काम और करूँगी। अभी नहाना धोना है, नहाया नहीं है, और कपड़े धोने को डाल दिए हैं मशीन पे, तो वो धुल रहे हैं। तो करते हैं फिर। चाय हमारी हो चुकी है, अच्छी खासी धूप भी आ गई है। यहाँ भी गर्म हो रहा है, पर इतना नहीं हो रहा जितना दिल्ली में हो रहा है। यहाँ ठीक है धूप, मौसम ठीक है, और रात को भी थोड़ा सा अभी पतले वाले कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और क्योंकि ठंड हो जा रही है रात को पंखा लगा करके, तो इसलिए। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी नवरात्रियाँ, नवरात्रियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और तो मैं करती हूँ फटाफट पहले अपना ये लंचे का काम, फिर फटाफट नहा धोना करती हूँ, फिर तब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और बच्चे नीचे अपने कमरे में बैठे हुए हैं, पूरा कमरा फैला के रखा है, पूरा सामान फैलाया हुआ है, सारा सामान संभालना है, सारे सामान को एडजस्ट करना है, सारे कपड़े वपड़े। तो पहले तो फटाफट करते हैं उनसे जो कामों को, फिर पहले खाने की तैयारी, फिर करते हैं कामों। और मेरा लंच बन के बिल्कुल तैयार है। श्रेया दिया कृतिका भी आ चुके हैं लंच के लिए, तो फटाफट करते हैं लंच। और अभी है शाम का टाइम, श्रेया दिया दोनों जा चुके हैं, और साथ में कृतिका आई हुई है, तो वो भी गए हैं घूमने के लिए। और मैं चाय लेके आ गई उनके लिए। ये अभी कॉपी किताब में जिल्ला लगाना था, और कॉपी किताब लानी थी, तो वो लिया है, पर अभी कवर नहीं लगाया है, तो थोड़े में कवर लगाएंगे। तो अभी थोड़े हम छत में बैठते हैं, चाय पीते हैं। और ये देखिए कैंडी और हनी के क्या हाल हो रहे हैं, बहुत ही बदमाश हो रहे हैं दोनों के दोनों। कहाँ रखा आपने? और आज हमारे कड़कनाथ ने भी अंडा दिया है बोल रहे हैं। कहाँ पे? मुझे नहीं दिख रहा इन्होंने कहाँ पे रख दिया अंडा। बहुत छोटा है हो। और ये देखिए इतना छोटा सा अंडा है, हमारे कड़कनाथ ने दिया है बोल रहे हैं, इतना छोटू सा। कर लो बात अब। ये तो मतलब ये तो जानो उसके जैसा लग रहा है, चिड़िया का अंडा जैसा लग रहा है, उतना ही साइज है ना। अभी कड़कनाथ भी तो हमारा छोटा ही है। हाय हाय, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है यार, ऐसा लग मुझे तो देखे बहुत हंसी आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे छोटी चिड़िया चिड़िया नहीं देती है घोंसले में अंडे, नहीं देती है वैसे दे रखा है घोंसले अंडे। और यहाँ पे ये हनी और सनी दोनों आ चुके हैं रोटी खाने के लिए। ये अंडों को देख के मुझे बहुत ताजुब हो गया। और बच्चे हाँ, और मुर्गी कड़कनाथ ही सबसे छोटा है उसमें, ये तो बस गजब हो गया। तो उसको भी यहाँ पे रख देती हूँ, गिरेना करके उसको नीचे लेके जाऊँगी। और नवरात्रि चल रही है, तो अभी अंडे तो खाने हैं नहीं, नॉन वेज अभी कुछ नहीं खाना, तो सारा फ्रिज में स्टोर होएगा, नवरात्रि के बाद ही खाया जाएगा ये चीज़ें। क्या मस्त हवा चल रही है अभी। कृतिका आई हुई है मेरी ननद, छोटे ननद की लड़की मुंशारी से, तो वो कल ही आ गई थी, तो उससे भी मिलाती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट बार आएगी मेरी ब्लॉग में, अभी तक आई नहीं है वो, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई हुई है यहाँ पे घर पे। और अभी भी हम छत में बैठे हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, और मैंने सोचा था बच्चों को जरा डोसा खिला लेंगे, पर वो प्लान कैंसिल हो गया। और यहाँ पे डिंकी सिंकी पानी पी रहे हैं, सैंडी और हनी तो अलग से बैठे हैं, और ये है डिंकी सिंकी हमारे मस्त करके पानी पी रहे हैं। हनी नो हनी, प्यास लगी है बेचारे को, खूब सारी डिंकी सिंकी का। हनी मैं मारूंगी थप्पड़। नो हनी नो नो, आ गए पापा, देख रहा हूँ सर। नो नो नो। तो शाम के खाने की तैयारी सोच रही हूँ, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, देखते हैं क्या बनते हैं।
और यहाँ पे हाइट नापी जा रही है। हाँ ज्यादा कहाँ है, लेकिन ना मैंने वो इतने बड़े वाले शूज पहने थे ना, तो तब लग रहा होगा चाचा को, चाचा बड़े इतनी हो गई है। और यहाँ पे इनकी कॉपी में जिल्दा लग चुका है, कृतिका इनके सब कॉपियों में नेम चीट लगा के उनमें नाम लिख रही है और कल की तैयारी, और मैं कलर ढूंढ रही हूँ क्योंकि दिया को कल पेंसिल कलर लेके जाना है, बेशुबा सीने दिया का है। और डिनर हमारा हो चुका है साथ में कृतिका और श्रेया दिया का डिनर, तो उनकी चाची के साथ सारे कलर ढूंढने में लगी पड़ी। ये पूरी पोटली है, वो इतने कलर रखे सारे सारे, ये किसे ये ना उसके ऊपर डाल देना ना, फैल जा रही है वो। और थोड़ा बड़ी लाइट तो खोलो, कैसे दी वो दिख भी नहीं रहा होगा, ले दिए इतने कलर काफ़ी है तेरे कल के लिए, मेन मेन कलर मैंने निकाल दिए बाहर। और ये अपना पोटला रख दे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं 6, दिया उठ के आ गई है, शायद उठ के आई नहीं है, और यहाँ पे मेरी फर्स्ट मतलब मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा ली है उनके और अपने लिए, और आलू बॉयल करने को रख दिए हैं। अभी मैं देखू क्या बनाती हूँ, और आटा मेरा गुज चुका है, और 7 बजे बच्चे इसको यहाँ से घर से निकल जाएंगे स्कूल से, और इससे बात कर आपसे बात करते करते दूर बाहर आ जाएगा, तो आज से अपने रूटीन में स्टार्ट हो जाते हैं। और चाय बनती है, फटाफट इनको चाय लेती हूँ और बच्चों का नाश्ता तैयार करती हूँ। भैया क्या बना दूँ, आलू की गुटके और पूरी पराठा, क्या बनाऊँ नाश्ते में, क्या बनाना है? आलू के पराठे, आलू के पराठे में बहुत बहुत टाइम लगता है, लेट हो जाएगा कहीं हैं, आलू की गुटके और पूरी या पराठा, पूरी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ हैं, पराठा तो आलू जब बॉयल होते हैं तो फटाफट आलू के बनाती हूँ गुटके, और फटक से इन लोगों के लिए पराठे बना देती हूँ स्कूल के लिए, और थोड़ा थोड़ा दूध और पुलाव सेकंड उनको स्कूल भेजती हूँ, तो फटाफट कट्टी करने तैयारी नहीं तो लेट जाऊँगी बड़ा ज़्यादा, हम गप्पों में रहेंगे तो लेट होंगी बड़ा ज़्यादा। और मैं अभी छत में आ चुकी हूँ, और ये देखिए सैंडी और श्रेया स्कूल जा चुके हैं, मस्त हो रही है, और यहाँ पे कृति का लगी है फ़ोन में, कृति का फ़ोन में लगी है, तुम हैं क्या देख रही हो कुछ नहीं, और कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे थोड़े बहुत, और श्रेया के बाबा वही अपने गमलों में लगे हुए हैं, और कृति का जैसे कि आसपास से मुँह में ऐसे हाथ रख रही है और सैंडी का लगी चल रहा है, सैंडी बोल रही कि मुझे खेल करा, और ये हमारी नू सोई पड़ी है यहाँ पे ऐसे, देखो मस्त तरीके से, अब देखो हनी को प्यार करने जाता सैंडी गुस्सा हो जाती है, और अब बच्चे घर जा चुके हैं तो तेरा घर में जरा शांति हो चुकी है, अब आएंगे वो 2:30 बजे तक घर पहुँचेंगे, तो थोड़ी देर में करती हूँ लंच की तैयारी, और मैं निकली सेकंड चाय लेके आ चुकी हूँ छत पे, अभी मस्त हवा चली छत पे तो अच्छा लग रहा है, अब थोड़ी देर में लंच की तैयारी करती हूँ, उसके बाद छेटान बच्चा ये छेटान आ हनी हनी धर धर इतने जोर से काटो ना, जोर से काटो, और ये सैनी ने मेरे हाथ में कितने साल बना दिया, हनी को प्यार करने करके पूरा यहाँ तक, और श्रेया भी आ चुकी है स्कूल से, हाय दीदी घर में है, तूने कैसे चली गई थी, नहीं गई नहीं गई, हाथ धो लो साबुन से, वो देखो हमने कुत्ते से स्कूल से आके मिलके दिया, बाकी कितनी खुश है, मजा आया स्कूल में, क्यों पंखा ही नहीं था हमारे ऊपर, दिमाग खराब, आराम से ज्यादा एक्साइटेड होके नहीं, मम्मी एक्साइटेड थी मैं दुख दर्द बता रही हूं पता आपको, ले तेज कर देना पंखा, ऊपर हमारे ऊपर पंखा भी नहीं था, हाँ पे पंखा था, हाँ यहाँ पे मैं बैठी और पसीना टप 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 ऐसा हो रहा था, और आज जो किताबें लगी थी सारी हो गई थी, हाँ बस एक मैथ्स की बुक चाहिए और वो इंग्लिश वाली, तुझे क्या चाहिए, हिंदी ग्रामर, और मैं आज 3 बार पानी की पूरी बोतल खड़ी रही थी, और दिया तुमने लंच बॉक्स पूरा फिनिश नहीं किया, नहीं किया, क्यों, क्रीम डाल दी थी उसके साथ, आज भी मम्मी सुनो, हां आज मैं बता रही हूं, पूरे स्कूल में घूमने में थी, मैं बोली श्रेया तुम कहां जा रही हो, मैंने तुम्हें 3 बार देख लिया, मैंने बोला मैं घूमने जा रहा हूं, इंटरवल
ये देखो क्या फायदा, सुबह उठ के मेरी इतनी मेहनत से लंच बॉक्स तैयार किया तुम्हारा और पराठे वैसे के वैसे हैं और आलू देखते वैसे के वैसे ही है, हाथ भी नहीं लगाया इसने। मम्मी मैं खा लूंगी। और अभी हम लोग बच्चे लोग जा रहे हैं डोसा खाने के लिए। ये देखो अरे दोनों ने सेम से बनी है और दोनों की डिशेज सेम से अभी दिख रही मुझे, दोनों ने सेम सेम डिशेज बनी है। दिया दिया सबसे तो हम लोग चलते हैं आज डोसा खाने बच्चों को लेकर के। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं डोसा खाने के लिए, वेट कर रहे हैं डोसे का, अभी डोसा आएगा तो डोसा खाएंगे। यहाँ पे डोसा टेबल खा लिया अभी बिल्कुल भी, और दिया का चल रहा है, श्रेया का चल रहा है फोटो सेशन, कृति करेगा। हेलो से हेलो हेलो हेलो, आज स्कूल का दिन कैसा गया? वो देखो हीरोइन की तरह छत सर में चश्मा लगा रखा है। क्या दिया तुम खाने लगी? Enjoy. और बस जस अभी पहुंचे हम लोग और अंधेरा हो चुका है, करीबन बज चुका है 7:15। और क्योंकि डोसा खाने के बाद बच्चे जो उनकी किताबें रह गई थी थोड़ी बहुत, तो वो जो छूट गई थी छूट के आ गई थी, मिल नहीं थी एक बुक से लेकर वहाँ, तो दूसरे के वहाँ से जाके ले आई मैं आज, और इसलिए हमको काफ़ी लेट हो गया है। श्रेया दिया कृतिका, अब कृतिका अपनी ताई जी से मिलने के लिए गई हुई है, तो श्रेया दिया भी वहीं गए हैं। तो मैं फटाफट बनाती हूँ डिनर, हमारा तो पेट डम है, पर श्रेया के पापा ने अभी कुछ नहीं खाया हुआ है, तो उनके लिए तो बनाने ही ना जल्दी नहीं खाना, तो मैं डिनर ना दे रही हूँ। और अभी कृतिका तो हम जब आएंगे तो उसके बाद फिर कृतिका अपनी बुआ के वहाँ जाएगी, तो श्रेया के पापा उसे छोड़ने के लिए जाएंगे। तो अभी आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू पनीर शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी बनाऊँगी, सिंपल सा खाना बनेगा। तो आज बच्चे भी काफ़ी टाइम बाद स्कूल गए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया स्कूल में। तो मैं बनाती हूँ फटाक से डिनर, तो उसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग की पेंडिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।